पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। सभी सांसदों को बैठक में हाजिर रहने के निर्देश। पीएम मोदी का होगा अभिनंदन। दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक का आयोजन। पाकिस्तान की तरफ गलती से दागे गए मिसाइल पर संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री। 9 मार्च की है घटना। यूक्रेन के हालात पर संसद में चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे बयान। बीजेपी ने शुरू की चारों राज्यों में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया। अमित शाह और रघुवर दास बनाए गए उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक। उत्तराखंड के पर्यवेक्षक होंगे राजनाथ सिंह। गोवा जाएंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मणिपुर में निर्मला सीतारमण संभालेंगी कमान। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। एमएलसी चुनाव को लेकर हुई माथापच्ची। यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। विधानसभा में हारे हुए उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा टिकट। 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को होने हैं चुनाव। आज से 19 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। उडुपी की 6 छात्राओं की तरफ से डाली गई थी याचिका। 3 जजों की बेंच ने की है मामले की सुनवाई। बेंच में हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे ए काजी जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के साथ। हिजाब पर फैसले से पहले सुरक्षा इंतजाम सख्त। बेंगलुरु में एक हफ्ते के लिए धारा 144। कलबुर्गी में आज बंद कर दिए गए स्कूल और कॉलेज। जिले में लगाई गई धारा 144। शिवमोगा में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। फैसले के बाद किसी जश्न की इजाजत नहीं। बेलगाम चिकबगलापुरा देवनगेरे हासन कोप्पल और गडक जिले में धारा 144। पुलिस की जबरदस्त तैनाती। उडुपी में कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनने पर लगाई थी रोक। फैसले के बाद भड़का था बवाल। कर्नाटक के बाद कई राज्यों में हिजाब को लेकर शुरू हो गया था हंगामा। समर्थन और विरोध में प्रदर्शन। उडुपी की हिजाब गर्ल मुस्कान का औरंगाबाद दौरा रद्द। पुलिस प्रशासन का फैसला। वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट ने बुलाया था मुस्कान को। दौरा रद्द होने की वजह से नाराज। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत तेज। नेताओं में फिल्म देखने की होड़। बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा कश्मीर हो गया है गुजरात फाइल्स। नफरत फैलाने वाली फिल्म पर लगे रोक। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने संसद में कहा इस मुद्दे पर सही नियत से काम करे सरकार। फिल्म पर केरल कांग्रेस ने उठाए सवाल। आतंकी हमले में 1990 से 2007 तक 15,000 मुस्लिम 399 हिंदू मारे गए। केरल कांग्रेस ने लिखा राज्यपाल जगमोहन के निर्देश पर पंडितों का पलायन। जगमोहन थे आरएसएस के सदस्य। आगरा में सिनेमा हॉल पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। फिल्म कश्मीर फाइल्स दिखाई जाने की मांग। गुजरात के नवसारी में हिंदू संगठनों का विरोध। फिल्म कश्मीर फाइल्स के शो बढ़ाने की मांग को लेकर बवाल। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने देखी कश्मीर फाइल्स। बीजेपी के दूसरे नेता भी रहे मौजूद। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर केरल कांग्रेस के बयान को लेकर मचा कोहराम। जम्मू में डोंगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा स्पीकर पर भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लखीसराय की घटना को लेकर सदन में हंगामे के बाद हुए नाराज। पठानकोट में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के पार्षद और उनके समर्थकों ने जलाया पंजाब पुलिस का पुतला। हरियाणा के सिरसा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना। 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हुआ बवाल। दिल्ली में आपका विरोध प्रदर्शन। एमसीडी चुनाव को टालने को लेकर जबरदस्त नाराजगी। अलीगढ़ में शिया समुदाय के लोगों ने पेशावर की मस्जिद में हुए हमले को लेकर सौंपा ज्ञापन। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। राजगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष शफीक अंसारी के घर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई। हड़ताल पर गए मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के करीब 250 मरीज। मुश्किलों का सामना कर रहे हैं मरीज। झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंची पोषण सखी की महिलाएं। पुलिस के साथ झड़प। राजस्थान के झालावाड़ में हत्या के आरोपियों के जुलूस पर भड़के लोग। शहर भर में निकाली गई रैली। सिलीगुड़ी में छात्रों ने निकाली पीस रैली। रूस और यूक्रेन को दिए शांति के संदेश। जम्मू में सिलेंडर धमाके से कोहराम। कबाड़ दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 3 की मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। सरपंच शबीर अहमद की हत्या में शामिल थे। कुलगाम में पकड़े गए 3 आतंकवादी। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी और हथियार बरामद। नागपुर में एक महिला पर 26 साल की बेटी की हत्या का आरोप। पत्नी ने इलाज के लिए मांग रहा था पैसे। फतेहपुर में पुरानी रंजिश के कारण दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के कश्मीरी गेट में ढह गई बिल्डिंग। 2 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। राहत और बचाव का काम जारी। ग्रेटर नोएडा में फर्जी आईडी बनाकर एक्सप्रेस ट्रेन से नकली ई टिकट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मध्यप्रदेश के खंडवा में आयकर विभाग के नोटिस ने उड़ाए छोटे कारोबारियों के होश। पूछा क्यों किया 290 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन।
फरुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, अवैध शस्त्र और उपकरण के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार। आरा में विधान परिषद के नामांकन में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री और भवन निर्माण मंत्री, हॉकी खिलाड़ियों ने किया जमकर विरोध, हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए रोका गया था खिलाड़ियों का मैच, नारेबाजी के बीच मौके से निकले मंत्री। कन्नौज में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने पत्रकारों पर बरसाई लाठियां, दरोगा की अभद्रता की शिकायत करने पहुंचे थे पत्रकार, चाय दुकान वाले के साथ बस लूटी के कवरेज पर भड़के दरोगा, शिकायत करने पर आरपीएफ जवानों के साथ अनबन। कानपुर में बार बालाओं के साथ दरोगा के डांस का वीडियो वायरल, हो गए लाइन हाजिर। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से गायब हुए महिला के 30 लाख के जेवर, बैंक ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। रोहतक में पीजीआई जा रहे बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, एक महिला समेत तीन की गई जान। पुंछ में शहीद डिप्टी एसपी मंजीत सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गई थी जान। जलंधर में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान मशहूर खिलाड़ी संदीप नंगल की हत्या, कुछ युवकों ने मारी गोली। कबड्डी खिलाड़ी की हत्या पर आम आदमी पार्टी के विधायक दिलजीत कौर मौके पर पहुंची, कहा नई सरकार बनने से पहले बदनाम करने की साजिश। ये गौर करनी चाहिए है कि कितने बड़े मेले होंगे, बड़े टूरनामेंट होंगे, तो सुरक्षा देना उन्होंने भी फर्ज बनता, चौकियों को पता होंगे, थाणियों को पता होंगे कि कितने के प्रोग्राम हो जा रहा, ये बिल्कुल कितने ना कितने लापरवाही के नतीजे है। गाजियाबाद पुलिस की नामी बदमाश से मुठभेड़, गोली लगने से घायल कमर उर्फ कल्लू को पुलिस ने किया अरेस्ट। यूपी के औरैया में दर्दनाक हादसा, मिट्टी में दबकर दो लड़कियों की गई जान, गड्ढा खुदाई के दौरान हुआ हादसा, 14 और 12 साल की दो लड़कियों ने तोड़ा दम। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेता विजय गोयल का मोबाइल छीनने वालों को पकड़ा, मोबाइल भी हुआ बरामद। कल दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में कार में बैठे विजय गोयल का मोबाइल छीनकर फरार हुआ था झपटमार, दरियागंज इलाके का रहने वाला है। सवाई माधोपुर में सभापति विमल चंद की पत्नी पर सरकारी काम में अड़ंगा डालने और हाथापाई करने का आरोप, शौचालय को सीवेज से जोड़ने का काम रुकवाया। गाजियाबाद में बाइक सवार लुटेरों ने बुजुर्ग महिला को लूटा, भागती महिला का दूर तक किया पीछा। लुटेरों ने बुजुर्ग महिला पर पिस्टल के बट से वार कर किया घायल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चाईबासा में रेलवे लोको पायलट पर महिलाओं से छेड़खानी का आरोप, हुई पिटाई, महिलाओं ने छेड़खानी के आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के सोलापुर में सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत, करीब 30 लोग घायल। सभी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे पंढरपुर, तभी एक गाड़ी से ट्रैक्टर की हुई टक्कर। मध्यप्रदेश के बारा में 2 लोगों का कुएं से मिला शव, 1.5 महीने से थे लापता। कैथल में पशु प्रेम की दिखी मिसाल, भैंस की मौत पर मालिक ने दिया मृत्यु भोज।